टेक्नोलॉजी ने आज बड़ी से बड़ी कल्पनाओं को छोटा बनाकर इस जगत को चंद्रमा तक पहुंचा दिया है। इससे संचार, परिवहन, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव जीवन को सुलभ और आरामदायक बनाया है। भारतीय इंजीनियरों ने अपने ज्ञान और कौशल द्वारा उद्योग से अंतरिक्ष तक अपना अनुपम योगदान दिया है। आज टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल या इंस्टेंट मैनेजर सामान्य बात हो गई है। उक्त उद्बोधन आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के संचालक अशोक दीक्षित ने विद्यार्थियों द्वारा IIT पवई मुंबई में विज्ञान तरम द्वारा आयोजित नेशनल लेवल एडवांस टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप 2024 में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए व्यक्त किए। IIT पवई में आयोजित टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप 2024 में देश के 15 राज्यों से 2500 से अधिक विद्यार्थियों ने जूनियर एवं सीनियर कैटेगरी में ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिंग टेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी में नवीन संशोधन एवं टेक्नोलॉजी के नवीन प्रयोग आधारित प्रस्तुतियां दी। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 5वीं से 9वीं तक की 10 टीम के कुल 52 विद्यार्थियों ने जूनियर एवं सीनियर वर्ग में 4 चरणों में आयोजित प्रतियोगिता में प्रस्तुति दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमने IIT पवई में इनोवेशन चैंपियनशिप में हमारे प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। हमारा प्रोजेक्ट था डिजिटल चक्षु, जिससे जो कि एक अंधे व्यक्ति के लिए था, जिससे अंधा व्यक्ति भी पढ़ सके। हमारे इस प्रोजेक्ट को IIT पवई के लोगों ने भी बहुत पसंद किया व हमें पुरस्कृत किया। धन्यवाद। पहले हम IIT पवई गए, जहाँ पर हमें हमारा प्रोजेक्ट मल्टीटेक स्मार्ट फार्मिंग, जो कि किसानों के लिए था, प्रस्तुत किया, जिसमें किसान घर बैठकर सेंसर बेस्ड फार्मिंग कर सकता है, जो IIT पवई वाले लोगों को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने हमें पुरस्कार दिए। हमें बड़ा गर्व है आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के ये नौनिहार होनहार विद्यार्थी, जिन्होंने IIT पवई में, जहाँ देश के 15 राज्यों से 2500 से ज़्यादा विद्यार्थी आए थे, वहाँ नेशनल लेवल के एडवांस टेक्नोलॉजी कंपटीशन 2024 में सहभागिता की और बेहतर प्रेजेंटेशन दिया। हमारे यहाँ की टीम जिसका सिलेक्शन हुआ, उसने प्रेजेंटेशन दिया कि किस प्रकार से किसान घर पे ही बैठकर सेंसर आधारित बेहतर तरीके से खेती करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। एक और प्रोजेक्ट जो हमारा चेंज हुआ, वो यू टर्न पर था कि किस प्रकार से पूरी तरह से एक्सीडेंट को रोका जा सके। एक अन्य दल ने बताया कि अंतरिक्ष में किस प्रकार की कल्पनाएं जो हम भविष्य में साकार कर सकते हैं, एक इनोवेशन आइडियाज उन्होंने दिए, जिसे चयन किया गया। इसके अतिरिक्त क्लास 5th के भी विद्यार्थियों ने वहां पर इनोवेटिव प्रोजेक्ट दिए कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का सोशल लाइफ में किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रयोगों को वहां स्वीकार किया। क्लास 3rd के विद्यार्थियों ने 3rd रैंक अर्जित की। इसका 4 बेस्ट पार्टिसिपेंट के पुरस्कार विद्यालय ने जीते। ये नौनिहाल विद्यार्थियों को नेशनल लेवल पर हम प्रमोट कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा को हम हौसला अफजाई करें, उनका हम मनोबल बढ़ाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।